आज हम लोग की हैयर अल फलाह सोसाइटी ने ये इवेंट अरेंज करवाया था, इसमें राजा ज़ियाउल हक को इनवाइट किया था जो सीईओ है यूथ क्लब के। बेसिकली इनका ज़्यादातर वर्क जो होता है वो यूथ के लिए ही होता है, ये यूथ को दीन की तरफ लाने के लिए काम करते हैं। तो हम लोग ने इनको इनवाइट किया था कि बेसिकली हम एक मुस्लिम डॉक्टर्स का कॉन्सेप्ट देना चाहते हैं। तो हम लोगों ने इनको इनवाइट किया था कि एक तो इस्तकबाल रमज़ान के ऊपर भी बयान दें और साथ हम लोगों की स्पिरिट्स को रिवाइटलाइज करें, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग को कुछ ना कुछ कुछ दिनों बाद चाहिए होते हैं जो हम लोग ईमान को बूस्टअप करें। अभी जो ये इवेंट हुआ है ये लिंक्ड था हमारी न्यू सोसाइटी से जो कि अभी हमने बनाई है, जिनका नाम है हैयर अल फलाह। इसके मेनली हमारे पास 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि जिस पे हम फोकस कर रहे हैं, उसमें इनफाक है, अलवादिया है, हादिया है एंड तस्किया है। तो इनफाक में मेनली हम जो है ना फंड रेजिंग कर रहे हैं, सही है, उसमें जो है ना सारे जो ज़कात हैं और आपके सदकात हैं वो हम कलेक्ट कर रहे हैं। उसकी एक प्रॉपर टीम बनी हुई है जिस पे वर्किंग हो रही है। हमारा जो हॉस्पिटल है अंत उससे एसोसिएटेड है, ये जो मरीज़ आते हैं वहाँ पर जो इनको लाइक वो मेडिसिन और जो लैब्स के अखराजात नहीं फुलफ़िल वो कर सकते, तो वो जो है ना डॉक्टर्स उनकी पूरी तफ्तीश के बाद उनको हमारे पास भेजती है और फिर हम उनको लाइक सारे उनको फ्री करके देते हैं। ये मेनली टीम है इनफाक का। फिर अलवादा का है, क्योंकि ये जो हमारा कॉलेज और अंत हॉस्पिटल है इसमें इनकी प्रेमिसेस में कोई अच्छा लाइक मस्जिद नहीं बनी हुई अभी तक। हम ऐसी जगह मस्जिद बनाए जहाँ पे हॉस्पिटल के मरीज़ों के लिए, फैकल्टी के स्टूडेंट्स के लिए एक प्रॉपर जगह बन सके। तो उसमें हॉस्पिटल में थ्रू आउट पूरा किबला डायरेक्शंस, नमाज की जगह, कुरान पाक वगैरह, दुआएँ, ये सब जो है ना हमारी एक टीम है, ये प्रोजेक्ट है अलवादा के अंडर आता है जो कि हमने करना है। देन हमारे पास थर्ड है अलहादिया। इसमें ये है कि हम हर फ्राइडे को जो है छोटे ग्रुप डिस्कशंस होते हैं जिसमें हमारे जो स्कूल लाइक कॉलेज प्रोफेसर्स हैं जो कि इस्लाम से लिंक्ड हैं वो जो है इसमें फैकल्टी भी होती है, स्टूडेंट्स भी होते हैं, वो गाइड करते हैं प्रॉपर। मेन फोकस हमारा होता है कि हम कुरान का तर्जुमा जो है उनको गाइड करके समझा के उनको जो पेश करें। ये इसका मेन थीम है जो कि कंटिन्यूसली हो रहा है अभी। देन जो है हमारे पास जो अभी ये प्रोजेक्ट हुआ है वो तस्किया के अंडर हुआ है। तस्किया में मेनली हमारा फोकस होता है कि हम जो है ना लेक्चरर्स जो हैं, गेस्ट लेक्चरर्स को इनवाइट करें अपने प्रॉपर एक ऐसे इवेंट हो जिसमें जो है ना प्रॉपर जो है ना टीम के अकॉर्डिंगली उन बच्चों को जो है ना गाइडेंस मिल सके। आज का जो इवेंट था उसका मेन मकसद ये था कि हम अपने स्टूडेंट्स को ये बता सकें कि रमज़ान का महीना किस तरह से हम प्रोडक्टिव बना सकते हैं, वो कौन से काम हम कर सकते हैं जिससे हमें मैक्सिमम रिवॉर्ड मिल सकता है, अपनी रूटीन को, अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ को किस तरह मैनेज कर सकते हैं कि हमें अपना दोनों साइड्स को बैलेंस करने का तरीका समझ में आ जाए कि जहाँ पे हमारा काम भी हो और अल्लाह ताला से करीब होने का भी एक हमारे लिए बहुत बड़ा ज़रिया बन जाए। पैगाम के अतबार से मैं जो भी हमारे नाज़रीन हैं उनको ये कहना चाहूँगा कि रमज़ान का महीना आपके पूरे साल में एक ऐसा महीना आता है जिसमें जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं, जितने भी शयातीन हैं उनको जकड़ लिया जाता है, और इसमें एक ऐसी रात है जो हज़ार महीने से बेहतर है। तो अल्लाह की तरफ से ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है नेकियां इकट्ठा करने की, और समझें कि एक बहुत बड़ी सेल लगी हुई है नेकियों पर।
جتنی زیادہ کوشش کر سکیں اس مہینے کے اندر عبادات کر کے، چیریٹی کر کے، صدقہ خیرات کر کے، قرآن کی تلاوت کر کے، قیام و لیل کر کے میکسیمم نیکیاں اکٹھے کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ لمیٹڈ ٹائم آفر ہے جو کہ عید کے اوپر ایکسپائر ہو جائے گی۔ تو انشاءاللہ کوشش کریں کہ اس رمضان کو اپنے لیے بہت پروڈکٹیو اور بینیفیشل بنا لیں۔